जयपुर के चोमू क्षेत्र में रविवार और सोमवार को लगने वाले हाट बाजार में कुछ फुटकर कारोबारी मौत को दावत दे रहे हैं। बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर के नीचे ही दुकान लगाने वाले ये कारोबारी अपनी जान जोखिम में डालने के साथ ही सामान खरीदने आने वालों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि इस बारे में पुलिस और बिजली विभाग दोनों को पूरी जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां गणगौरी चेक पर सप्ताह में दो बार हाट बाजार लगाया जाता है। चौराहे के नजदीक ही बिजली विभाग ने बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रखा है, लेकिन फुटकर दुकानदार इसी ट्रांसफार्मर को ही अलमारी की तरह काम में लेते हैं। यहाँ पर कपड़े ऐसे टांगते हैं जैसे रस्सी पर सूखने के लिए कपड़े डले हुए हों। कई बार स्थानीय बाजार के दुकानदार ने भी ऐसा करने से इनको मना किया, लेकिन कोई नहीं मानता। जबकि प्रदेश में लोगों की लापरवाही के चलते बिजली जनित कई बड़े हादसे हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। करीब 4 साल पहले शाहपुरा के हेजरोली गांव में भी ट्रांसफार्मर के पास काम करने के दौरान धमाका हो गया था। करीब 25 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी और दर्जनों झुलस गए थे। बाद में सरकार को मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी पड़ी थी।